पहले आप सभी को टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और टीचर डे के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि टीचर डे पे जितने भी लोगों ने आपको मोटिवेट किया होगा, अपनी बातें रखी हुई, सब ने आपको बताया होगा टीचर डे शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आज हम उसकी आगे की बात सुनते हैं या समझते हैं कि देखिए, शिक्षक दिवस जो होता है वो हमारे देश की संस्कृति कल्चर का सबसे अटूट रिश्ता रहा है। और इतिहास साक्षी है कि हमारे यहाँ गुरुकुल में जब शिक्षा होती थी, तब से शिक्षक की गरिमा, शिक्षक की बातें, शिक्षक की हर एक चीज़ें हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में तब से लेकर आज तक बनी हुई है। और बाद में ग्रेगरी कैलेंडर में 5 सितंबर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन अर्थात भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति के जन्मदिवस पर भी हम इस शिक्षक दिवस के रूप में पूरे भारत में हम इसे मनाते हैं। और हम पुनः एक बार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगली बार आप सभी जब भी शिक्षक दिवस आए आप अपने अपने विद्यालयों में कार्यरत रहें। साथ ही साथ इस शिक्षक दिवस का इतिहास अगर हम देखें तो यह जब वेद पुराण लिखे जा रहे थे तभी से, जब गुरुकुल में शिक्षा होती थी तब से हमारे यहाँ ये गुरु की गरिमा और एक शिष्य के बीच का जो रिश्ता रहा है वो अग्रणी रहा है। हमारे वेदों में भी मिलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, गुरु गोविंद दो खणे काके लागो पाँव बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ जब लोग इस बात से परिचित नहीं थे, शिक्षक की महानता से परिचित नहीं थे, तब से हम इसकी गाथा और गरिमा गाते आते हैं। दुनिया में जब ये नहीं पता था लोग रहते कैसे हैं, तब हमारे देश की एक संस्कृति, एक कल्चर थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो एक नगरी सभ्यता रहा करती। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां जो ये नहीं जानते नगर क्या होता है, और हम आज से 5000 साल पहले एक नगरी सभ्यता का जीवन यापन करते थे। और इतिहास साक्षी रहा है कि हमारे देश में गुरु की उपाधि, गुरु की गरिमा को किस तरह से सजोया गया है। तो आज उसी शिक्षक दिवस पे हम आपको अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस उम्मीद से, जिस लक्ष्य के साथ आपके माता पिता आपको अग्रसर करते जा रहे हैं, उसी दिशा में आप आगे बढ़े। शिक्षक दिवस के साथ साथ एक मैं भी शिक्षक हूँ, मैं भी आपको पठन पाठन काम करता हूँ, कहीं ना कहीं आप भी मुझे उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। और हमारे समाज में, हमारे देश में आज भी एक अध्यापक के जो दृष्टिकोण होता देखने का, वो एक सम्मानजनक दृष्टिकोण रहा है। चाहे किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वैज्ञानिक को ले लें, वो बिना अध्यापक के, बिना शिक्षक के आगे नहीं बढ़ सका। माने शिक्षक वो आधारशिला है, वो आधार बिंदु है जो किसी भी अभ्यर्थियों को ऊंचाई तक ले जाने में एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपना कर्तव्यों का निर्वहन करता है। और आज हमें आपके सामने अपनी बात रखने का मौका मिला है, कहीं ना कहीं यह आपका प्यार, आपका सहयोग रहा है जो मुझे इतना मेहनत करने के लिए बाध्य करता है, और हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो मैं बता रहा था कि हमारे देश में इतिहास गवाह है। पहले शिक्षा देने के लिए शिक्षा हमारे गुरुकुल में होती थी, तो कभी एक समय था जब व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष, जाति विशेष, व्यक्ति विशेष को शिक्षा लेने का अधिकार था। लेकिन बदलता गया, समाज बदला, लोग बदले, और आज वो दिन आ गया है कि हर व्यक्ति अब शिक्षा ले सकता है। और यह कहीं ना कहीं यह हमारे देश का वो जो सपना साकार था वो पूरा होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप सभी को जो बेसिक का हिस्सा बनने जा रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि एक विडंबना जो थी उसे ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। आर्टिकल 21A जो फंडामेंटल राइट में जुड़ा है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। लेकिन वह अगर एक बात सोचने योग्य है कि जो भारत वास्तव में बदल रहा है, पहले हमारे यहाँ स्कूल नहीं थे, विद्यालय नहीं थे, आज हमारे स्कूल है, विद्यालय, लेकिन उसमें शिक्षा नहीं है। ये कहते हुए मुझे खुद पे बड़ा अफसोस हो रहा है। सरकार इसको लेके, अन्य लोग इसे लेकर तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे ताकि हमारा देश वास्तव में सर्वोपरि हो जाए, लेकिन छोटी सी ऐसी कमियां हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक 200 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला व्यक्ति भी ये सोचता है मैं अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दूँ, अच्छा स्वास्थ्य दूँ। आप कभी भी एक रिक्शा चलाने वाला भी अपने बेटे को, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। मतलब अब देश में एक शिक्षा का स्तर जो सुधरना चाहता था वो व्यक्ति के जेहन में आ गया, अब उसके DNA में आ गया। आज के कुछ साल पहले ये होता था, पढ़ लो, पढ़ लिया, चलिए कुछ काम कर लेते हैं, कुछ काम सीख लो। महिलाओं को, बहनों को कहा जाता था अब घर का काम जानती हैं, चिराई का काम, पार्लर काम जानती, क्या जरूरत है पढ़ने की। लेकिन समय बदला, लोग बदले, समाज बदला, सोच बदला, एक रेवोल्यूशन आया। अब सभी को लोग पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, आप बैठ के देख पा रहे हैं। मतलब कि अब एक जागरूकता है लोगों को पढ़ने के लिए। हर एक मजदूर भी चाहता है उसका बच्चा अच्छे कॉन्वेंट पढ़े, लेकिन वो प्राथमिक विद्यालय के लिए, बेसिक के लिए क्यों नहीं सोचता। कोई भी बाल पुरुष क्यों ये नहीं सोचता कि मैं अपने बच्चों को बेसिक में पढ़ाऊंगा, अर्थात
उन्हें ये बात पता है कि वास्तव में शायद बेसिक में अच्छी पढ़ाई नहीं होती क्या, मतलब बेसिक में वही अपने बच्चों को भेज रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय में वही बच्चों को भेज रहे हैं जिनको ये लगता है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है मैं उन्हें कॉन्वेंट पढ़ा सकूँ। यह बात वास्तव में हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा उपहास का विषय है। मतलब जिसके लिए हम 14 वर्ष तक के निःशुल्क बालकों की शिक्षा की बात करते हैं, इसकी फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, और उस जगह इस समाज को एक आईना दिखाता हुआ है, मतलब ये बताता है कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे वही पढ़ेगा, इसके पास कुछ भी नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि एक ऐसा दृष्टिकोण, यहाँ पे बेसिक में जाने के लिए ग्रेजुएशन होना, टेट, सी टेट, सुपर टेट है, तब जाके आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, पहले नहीं था, पहले लोग बेसिक मुझसे। लेकिन आखिर क्या ऐसा कारण है जो एक दिन में, एक महीने का 3,000 से 5,000 रुपये मंथली पाते हैं लोग, उनके यहाँ पढ़वाना विश्वास करते हैं, लेकिन जिनको गवर्नमेंट नियुक्त करती है, जिनको सैलरी 50,000 रुपये महीने देती है, 40,000 से प्रारंभ देती है, उनके ऊपर लोगों का भरोसा क्यों नहीं? क्यों लोग अपने बच्चों को उनके यहाँ नहीं पढ़वा रहे? ऐसा क्या विषय है? प्रत्येक बार हर वर्ष शिक्षक दिवस आएगा, लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करें, बड़ी बड़ी बातें करें चले भी जाएंगे, बताएंगे सर्वपल्ली जी के बारे में, बताएंगे क्यों शुरू हुआ, लेकिन कोई इस बारे में क्यों बता नहीं करता, क्यों ये विभेदीकरण क्यों वर्गी करता? कभी जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, व्यक्ति विशेष के नाम पे, समाज के नाम पे भेदभाव होता था, और आज आर्थिक रूप से भेदभाव क्यों? क्या ऐसा क्यों माइंड कॉन्सेप्ट ऐसा बन गया? हर व्यक्ति चाहता है मैं अपने बच्चों को प्राथमिक नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाऊंगा, ऐसा क्या कारण है? ऐसी बेसिक कौन सी ऐसी दशा इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? मैं जानता हूँ सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो अध्यापकों के पास पहुँचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बेसिक अध्यापक भावी अध्यापकों के पास ये वीडियो चाहते हैं। आपके पास अगर भारत के सामान्य व्यक्ति हैं, एक आम नागरिक है, आपके बात को ये समझना चाहिए, ऐसा क्या कारण है? हम भी कल बेसिक में आएंगे, आप भी कल बेसिक में आएंगे, आप बेसिक में होंगे भी, तो यह लोगों का माइंड कॉन्सेप्ट कैसे दूर किया जाए, कैसे लोगों के ये विभेदीकरण कैसे दूर किया जाए, कैसे उन्हें बताया जाए? वेल एजुकेशन आज भी प्राथमिक में है, बेसिक में है, प्राइमरी में है, सरकारी स्कूल में है, ऐसा कब उन्हें विश्वास दिलाया जाएगा? क्योंकि उनका भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। अब 200 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला व्यक्ति भी सोचता है कि मैं अपने बेटे को अच्छे ट्यूशन कराऊं, मैं प्राइवेट स्कूल भेजूं, ऐसा क्या कारण है? आखिर वो समाजवाद व्यवस्था कहाँ चरमरा जा रही है, उसमें कौन सी ऐसी कमी आ जा रही है जहाँ पे व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर की तरफ मुख मोड़ना पड़ रहा है? चाहे अस्पताल की बात करें, लेकिन आज शिक्षक दिवस है, इसलिए मैं शिक्षा को ही केंद्र बिंदु में रखकर मैं अपनी इस बात को रखना चाहता हूँ कि क्या ऐसी कमी रह गई कि लोग बेसिक भेजने से आज भी डरते हैं? क्यों लोग बेसिक में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते? क्या ऐसा कारण है? क्यों बेसिक से लोग दूर भगा रहे हैं? तो मैं आपसे भी ये कारण जानना चाहूंगा, ऐसे क्या ऐसे रीजन है जो बेसिक से लोगों को दूर करते हुए जा रहे हैं? आप भी अपने सुझाव में जरूर बताएंगे, आप भी बेसिक का हिस्सा है, बेसिक नहीं समाज का हिस्सा है, देश का हिस्सा, क्या इस तरह से रह के भारत विश्व गुरु बनने का सपना साकार कर सकता है, या केवल सपने देखते रह जाएंगे? ऐसे गुरु जो मुझे तो कहना नहीं चाहिए, प्रशिक्षण भी नहीं उठाना चाहिए, जो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब शिक्षा का इस तरह से बाजारीकरण होता जा रहा है, मैं भी उसका हिस्सा बनता जा रहा हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, लोग इस तरह की भावना उनके मन में आएंगी और लोग कमेंट भी करते हैं, लेकिन मेरी आत्मा जानती, मेरा हृदय जानता मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ, मुझे कैसे करना। मेरी भी एक सपना है कि मैं भी फ्री में पढ़ाऊँ, मैंने आज का डेट भी रखा था कि आज मैं फ्री में लेकिन टेस्ट पेपर तैयार नहीं पाया, लेकिन मैं 100 बच्चों को दूंगा, उससे ज़्यादा को दूंगा, पर कितना अगर मेरा मैनेजमेंट चलने लगे, मैं निःशुल्क पढ़ाने के लिए आज भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि हम आपके एक लोग की वजह से सामने आने से एक बड़ी क्रांति का रूप ले सकती है। अगर कल भगत सिंह घर से बाहर ना निकले होते, गांधी जी बाहर ना आए होते, तो आज क्या भारत इस तरह से देखने मिलता? बहुत सारे ऐसे नाम हैं, कितने नाम तो बेनाम रह गए, जिनके चेहरे तक नहीं जानते, वो इतिहास के पन्नों में जगह तक नहीं मिली, क्योंकि इतिहास लिखने वाले उनको अपने उस पन्नों से दूर कर दिए। आज भी आप बेसिक का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आज ही महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाता है, क्या करोगे पढ़ के? तुम्हें तो चूल्हा बासन करना है, घर में रहना है, घर के काम सीखो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि किसी भी व्यक्ति का, स्त्री का क्या अधिकार है। अगर ज्योतिबा फूले की बात किया जाए, उनके ऊपर लोगों ने कीचड़ फेंके, क्या क्या नहीं कहे, 2 साड़ियां लेकर जाती थी, लेकिन आज स्त्री शिक्षा इस कदर चरम पे आ गई कि हर एक माँ बाप ये चाहते हैं उनकी बेटी पढ़ के वेल एजुकेटेड हो और इस समाज का एक अग्रणी हिस्सा बने। लेकिन ये कब संभव होगा? जब तक ये हमारे दिल दिमाग से नहीं निकलेगा कि हमें प्राइवेट सेक्टर नहीं, हमें गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है। सरकार इतनी चीज़ें मुहैया करा रही, सरकार पूरी सपोर्ट कर रही, यहाँ तक प्रेरणा ऐप भी आज से पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आ जाएगी, इतनी बड़ी सौगात लेकर आया ताकि इस विश्वास को बरकरार रखा जाए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोगों का माइंड कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है? तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, अगर आप शिक्षक हैं तो आप इस कमियों को सुधारिए, लोगों के विश्वास को जीतिए। अगर आप भावी शिक्षक हैं, आपको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं कि आप जाइए और इस बात को सोचिएगा आप कितनी मेहनत करके पढ़े हैं, क्योंकि
आपको मैंने एक बात बताया कि वो गरीब का लड़का वहाँ पढ़ने जाता है जिसको ये हैसियत नहीं होती वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सके। ये माइंड कॉन्सेप्ट रियली है, हो सकता है आप मुझ पर कीचड़ उछालें, मुझ पर कमेंट करें, लेकिन वास्तविकता है। जो 200 रुपया 250 रुपया 300 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं प्रतिदिन, वो भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट भेज रहे हैं। मतलब जिनकी हैसियत कुछ भी नहीं है वो प्राथमिक अपने बच्चों को भेज रहे हैं। क्या ये सही है? अगर सही है तो ऐसा क्यों है? गलत है तो ठीक है, मैं गलत मान लेता हूँ, अगर ये सही है तो ऐसा क्यों है? लोग मन में ऐसी कौन सी ऐसी बातें आ गई कि लोग अपने बच्चों को बेसिक से नहीं ले जाना चाहते? आज छोटा सा सेमिनार था, मैंने पूछ दिया कि क्या आप अपने बच्चों को प्राइमरी भेजेंगे, सीधा जवाब था मुख नहीं। ऐसा क्यों? क्या ऐसा कारण? आप बेसिक का हिस्सा बनने जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ आप बेसिक में आए और हर साल 5 सितंबर को हम आप मिले तो आप अपने विद्यालय में, अपने विद्यालयों में मिले, अब बेसिक की दशा को सुधारें। क्योंकि जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा देश विश्वगुरु बनने का सपना नहीं देगा। आज भी हमारे इसलिए सरकार जो है पूरी तरह से प्रगति, BTC, BEd, 2 वर्ष की डिग्री लेने के बाद UPTET, CTET, SuperTET, तब जाके आप बेसिक का हिस्सा बने जा। और एक तरफ प्राइवेट में ग्रेजुएशन जो कुछ नहीं कर पाते, जो सरकारी महकमे का हिस्सा नहीं बनते, वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे, हम उन पर इतनी भरोसा करते हैं, मैं भी उस क्षेत्र का हिस्सा हूँ। लेकिन आश्वस्तों में कि असली हीरे तो छनके जाते हैं, उसके बाद जो बचते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, फिर प्राइवेट सेक्टरों पर इतना भरोसा क्यों? क्या ऐसा कमी है जो गवर्नमेंट सेक्टर पे हम भरोसा नहीं कर पा रहे? तो इसके लिए हम आप सबसे पहले जिम्मेदार हैं, हमें आपके अपने बच्चों को भेजना चाहिए। हम पूछ सकते हैं क्योंकि हमारे बेसिक के भी अध्यापक पढ़ाने के लिए तत्पर हैं। ऐसे ऐसे विद्यालय हम आपको दिखाएंगे, परिचित कराएंगे, आप तादे तुल्य उंगलियां दबाएंगे, उनके आगे कॉन्वेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन बस लोग के दिमाग में बातें बैठ गई है कि नहीं कॉन्वेंट बेहतर पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हमारी सरकार, जब से भारत आजाद तब से हमारी सरकार इस पर काम कर रही है, आज भी कर रही है। हम तो जानते हैं जितनी सहयोग कर रही सरकार, क्या नहीं दे रही आपको? लोग कहीं शिक्षा छोड़ी सब दे रही है, शिक्षा भी दे रही है, शिक्षक भी दे रही है, भोजन कपड़ा किताबें सब कुछ मुहैया कराई जा रही, बैग तक दे रही, जूते मोजे स्वेटर तक हमारी सरकारें दे रही हैं। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको एक विश्वास बनाना है, और विश्वास बनाने के लिए आपको सबसे पहले आगे आने होगा। हजारों शिक्षक दिवस आएंगे, बढ़ते रहेंगे निरंतर, हमारे जैसे लोग आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, लेकिन परिवर्तन तब आएगा जब आप खुद में ठान लेंगे। बेसिक की दिशा आपसे बदलेगी, बेसिक की दशा आपसे बदलेगी, और लोगों का विश्वास आपसे बनेगा। अगर ये प्रक्रम जारी रहा तो आने वाले समय बेसिकों में ताले लग जाएंगे। सर अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा विभेदीकरण ना होने पाए तो सोचिए, आज इतने बड़े अधिकार हमें मिल गए। पहले लोग विद्यालय नहीं जाता था, पापा मम्मी मारी कहते हैं, दादा कहते हैं, 20 किलोमीटर पैदल जाते थे तब जाके स्कूल होता था। आज हर 3 किलोमीटर में सरकार ने स्कूल दे दिया, शिक्षक दे दिया, तो फिर हमारा भरोसा क्यों नहीं? पहले हम विद्यालय की बात करते थे, हमारे गाँव में स्कूल नहीं है, हमारे क्षेत्र में स्कूल नहीं है, सरकार ने स्कूल दिया। अब कहते हैं वहाँ शिक्षा नहीं है, सरकार में शिक्षा देने के तत्पर है, फिर अब क्या कहते हैं? अब आपके पास कौन सा बहाना है? अब आपके पास यही बहाना है, आप जाइए अध्यापकों से डायरेक्ट पूछिए कि सर आपके विद्यालय में क्यों पढ़ाया नहीं जाता, क्या ऐसा कारण है? हम तो हीरे चुनकर आते हैं आपके यहाँ, तो फिर ये हीरे कैसे कोयले में बदल जाते हैं? इसके मतलब कहीं माइंड कॉन्सेप्ट तो नहीं बना है? इसलिए इस शिक्षक दिवस पे उन सभी गुरुजनों को मेरा सत्सत नमन, जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ बेहतर कर गुजरने के लिए ठान कर रखे हैं। नाम लेंगे तो शायद समय कम पड़ जाए, मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए, इतने नाम हैं। हर जिले की बात कर रहा हूँ, बेसिक में ऐसे ऐसे अध्यापक हैं, और हमारी सरकारें, हमारे बेसिक के अधिकारी, हमारे बेसिक के अध्यापक पूरी जान लगा दे रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन बस छोटा सा है कि लोगों का विश्वास नहीं आ पा रहा, और तो विश्वास दिलाने के लिए आप और हम सोच बदलनी होगी। इस शिक्षक दिवस पर आप ये कसम खाइए, ये शपथ लीजिए कि हम लोगों को ये भरोसा दिलाएंगे कि बेसिक उस कॉन्वेंट से बेहतर था, बेहतर है और बेहतर रहेगा, क्योंकि हम और आप आज भी उस बेसिक का सबसे पढ़ा हुआ वह ब्लैक बोर्ड, वह स्लेट, चाक से लिखा हुआ, दुद्धे से लिखा हुआ स्लेट का ज्ञान आज हमें आपके बीच खड़ा कर पा रहे हैं। वही प्राथमिक विद्यालय आसमान पट्टी का, वहीं से मैं भी पढ़ाऊँ, और वही प्राथमिक विद्यालय से लोग, अधिकारी, प्रधानमंत्री, क्या क्या नहीं है, लेकिन आज उस बेसिक की दशा इस तरह से बदलती जा रही। इसके लिए जो ये माइंड कॉन्सेप्ट है इसको बदलना पड़ेगा, और हम उम्मीद करते हैं आप सभी भावी अध्यापकों से कि आप बेसिक में जब भी जाएंगे, बेसिक की जो थोड़ी सी भरोसा बचा है उस भरोसा पे कायम रखेंगे, और उस भरोसा को कहीं ना कहीं आपके बिना योग से पूरा नहीं होगा। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, रोजगार की संभावनाएं हैं, मामले कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन आज इस शिक्षक दिवस पे हमें बस इतना कहना है कि आप सभी को
जहाँ भी बेसिक में जाए, जो भी बेसिक में संबंध हो, जैसे भी बेसिक में लगाओ, लोगों का विश्वास बनाइए, ताकि गरीब का बच्चा, जिसकी ये उम्मीदें नहीं रहती कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरा बच्चा बेसिक पढ़ेगा, वो बेसिक का बच्चा जब बाहर निकले तो इस देश की वो गाथा लिखे कि लोगों को, अन्य देश को, भारत को विश्व गुरु मानने के लिए बाध्य हो जाना पड़े। हमें कागज में साक्षरता दर नहीं दिखानी है, हमें कागजों पर विकास नहीं दिखाना है, हमें वास्तविक विकास दिखाना है जो बेसिक के झलक से निकलेगी। आप ये जानते हैं, शिक्षा वो अधिकार है, शिक्षा वो ताकत है जो पूरे देश को बदल सकती है, पूरे देश को, भारत को जो विश्व गुरु बनने का सपना है। और खासकर मुझे तो कहना नहीं चाहिए, ऐसे द्रोणाचार्य जैसे अध्यापकों से भी हमें दूर रहना चाहिए जो दान में अंगूठे तक मांग लेते हैं, तो ऐसे शिक्षकों से भी हमें दूर रहना चाहिए, हमें उसी शिक्षक से सहारा लेना चाहिए जो खुद न खाकर छात्रों को खिलाकर आज उसके भविष्य के उस मुकाम तक पहुँचाते हैं जहाँ पर उसके माँ बाप उसकी उम्मीदें होती है। और आपको पुनः इस शिक्षक दिवस की हजारों गुना शुभकामनाएं कि आप अगली बार जब भी हो तो अगर आप बेसिक का सपना देख रहे हैं तो अब अपना शिक्षक दिवस बेसिक में मनाएं, और अगर आप किसी अन्य विभाग का सपना दे रहे हो आप अपने मंजिल में कामयाब हो और अगला शिक्षा दिवस आपके अपने विभाग में बीते। मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, और आप ये भी जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो पूरे देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है, और उसकी शुरुआत बेसिक से होती है, जिसका हम हिस्सा बनने के लिए तत्पर है, आप इसका बनने के तत्पर है, और इस देश के हर व्यक्ति चाहता है कि शिक्षक वो होता है जो उस आधारशिला को बनाता है जो देश में IAS PCS प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सचिव मतलब जितने भी बड़े पदासीन होते कभी न कभी बेसिक से प्राथमिक कक्षा से जरूर जुड़ा होता है, इसलिए गुरु का दर्जा अपने आप बड़ा हो जाता है। कोई भी हो, यहाँ तक कि कोई भी वैज्ञानिक हो, वो भी कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति से शिक्षा लिए होंगे, कहीं न कहीं से उनको ज्ञान अर्जन हुआ होगा, या तो दैविक शक्ति रहेगी अलग बात है, अन्यथा किसी न किसी गुरु से वो शिक्षित होंगे। हम इतिहास वेदों की बात करते हैं, वो एक गुरु से दूसरे में शिष्य में एक दूसरे से आने के बाद जब तक लिखित नहीं था तब तक वो एक दूसरे से ट्रांसफर होता था, एक दूसरे से हस्तांतरित होता था, सशब्द होता था या उसमें परिवर्तन होता था ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक दूसरे से बढ़ता जाता था। ये हमारे यहाँ आज के धार्मिक दृष्टिकोण से इतिहास से हम अध्यापकों गरिमा का गुणगान करते आते हैं। आज ग्रेगरी कैलेंडर में भी हम गुरु पूर्णिमा ऐतिहासिक धरोहर में धार्मिक दृष्टिकोण से हमारे गुरु का दर्जा सर्वोपरि है, चाहे प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, आपने देखा होगा अपने गुरु को सत सत नमन करते, ये मेरे देश का सौभाग्य है और ये मेरे देश का वो बड़कपन है जो वास्तव में ये बताता है कि हमारा देश क्या है। आज मुझे भी इस बात की खुशी है, इस बात का अच्छा लग रहा है कि हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा को लेकर इतनी बड़ी काम हो, लेकिन किसी ने ज्योतिबा फुले पे कोई बात नहीं की, उनको भी याद रखिए। आज महिलाएं पुरुषों से कंधा से कंधा मिलाकर चल रही, हर विभाग में हर जगह पढ़ रही हैं, अपना बेस्ट दे रही हैं, सब कुछ वो धारणाएं तोड़ दिया कि औरतों का काम है केवल घर में भोजन बनाना, केवल खाना चारदीवारी के अंदर, वो बातें तोड़ दिया है, उसे तोड़कर वो बाहर आ गई, आसमान में तक उड़ने लगी है। तो अब इसका भी श्रेय उस ज्योतिबा फुले को जाता है जिसे हमने, आपने, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, कमेंट में सुना, किसी ने उनका चर्चा नहीं किया, उनको भी याद करना है। आज वास्तव में महिलाएं इस समाज का वो हिस्सा बनते जा रही हैं, क्योंकि बिना उनके सहयोग से, बिना उनके हाथ में हाथ लगाए आप कितना आगे जा सकते हैं, क्योंकि उनका भी इस समाज में, इस देश में उतना ही अधिकार है, उतना ही हक है जितना हमारा आपका, चाहे पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, उन सब में उनकी हिस्सेदारी बराबर की रही है, तो कहीं ना कहीं इस विकास में, इस विश्व गुरु बनने में भी उनकी भविष्य हमारे और आप जैसे होगी, और हम सब जैसे अध्यापकों के लिए बस इतनी सी बातें थी। फिर मैं आपसे, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, अगली बार जब बेसिक में हो तो आप अगला शिक्षक दिवस आप बेसिक में अपने मनाएं, और सब कुछ ना ठीक रहा तो अगली बेसिक में, मतलब आपका आने वाला शिक्षक दिवस बेसिक में या आपके अपने अपने विभागों में, अपने अपने डिपार्टमेंट में जाए, क्योंकि यह आपका सपना, आपके माँ बाप का सपना, आपके परिवार का सपना, आप अपने समाज के आइडियल भी हैं। जिस दिन आपका चयन हो जाता है, आने वाले लोगों को पढ़ाएंगे लोग, शिक्षा मिलेगी, साक्षरता दर बढ़ेगी, क्योंकि आज महिलाओं को इसलिए नहीं पढ़ाने के लिए लोग रोकते हैं कि तुम्हें चूल्हा बर्तन तो करना है, लेकिन जब हमारी बहनें, हमारे घर के आसपास के लोग पढ़कर बेसिक में जाएंगे, अन्य अन्य पदों पर जाएंगे, तो आने वाले लोग कहेंगे अरे वाह, फलानी की बिटिया तो अधिकारी हो गई, फलानी बिटिया तो मस्टराइन हो गई, तो अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। मतलब आपके सफल होने से आपका परिवार नहीं, एक समाज को एक सकारात्मक संदेश जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर। आप उपहास बनना कराना चाहते हैं या आप
एक आइडियल बन करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उदाहरण बनना चाहते हैं, उपहास बनना चाहते हैं, मौके आपके ऊपर है, क्योंकि करना आपको है। बस मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अंत में पुनः एक बार आपको इस शिक्षक दिवस की लाखों हजारों अनंत शुभकामनाएं। आप अगली बार अपने अपने मंजिलों पे हो, अपने अपने कर्तव्य पथों पर हो, अपने अपने भविष्य की उड़ानों में हो, लेकिन इस देश को आप जैसे लोग जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है आप अपने आप में एक बेहतर इंसान हो, और आपको आज के वास्तविकता आपको इस देश जरूरत है, इस समाज जरूरत है। कर दिखाइए कुछ बेहतर, क्योंकि आप अपने माँ बाप की उम्मीद है, अपने माँ बाप की उम्मीद है आपको खरा उतरना। इसी के साथ इतिहास गवाह है कि हम भारतीयों ने वो इतिहास लिखा है जिसे आज दुनिया पढ़ती है। और कितने भी बड़े विज्ञान क्यों ना ऊपर चला जाए, जब हम अपने रामायण महाभारत को पढ़ते तब यह लगता है कि उस समय तो विज्ञान भी पीछे था, हमारे गुरु तब भी आगे थे, आवाज भी आगे। और हमारे सभी गुरुजनों को सशक्त नमन, और आप सभी को भी, आप सबके माता पिता को मेरी तरफ से नमन कहिएगा, प्रणाम कहिएगा, और हम आप सभी का साथ सहयोग इसी तरह से बना रहेगा। और हम ये चाहते हैं आप भी अपना बेहतर दें और अपनी अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।